नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका अपना मित्र सोनो हिंदुस्तान। उम्मीद होगा मित्रों आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज एक और इंस्पेक्टर को, दरोगा साहब को जरा हम लोग फेमस करें, क्योंकि ऐसे ऐसे भ्रष्ट अगर दरोगा रहेंगे हमारे समाज में और हम लोगों के बीच में, तो हम लोग और हमारे जैसे जो भी लोग हैं उनको इसी तरह से प्रताड़ित किया जाएगा और उनसे इसी तरह घूस मांगा जाएगा। इसमें जो दरोगा साहब जो दिख रहे हैं ये बेगूसराय के दरोगा जी हैं। पहले आप पहले इस वीडियो को पूरा देखें। एक गरीब व्यक्ति को जब नौकरी लगता है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जब थाना जाता है तो उससे घूस मांगा जाता है 2,000 रुपया, मजबूरन वो व्यक्ति देता है। पहले आप इस वीडियो को देखें, फिर मैं बात करता हूँ। बिहार के बेगूसराय में 5 दिनों के अंदर एक ही थाने के दूसरे सब इंस्पेक्टर का भी रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद जिले के एसपी ने आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया। इतना ही नहीं, एसपी मनीष ने आरोपी दारोगा अजय कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई की शुरुआत कर दी। दरअसल बेगूसराय के बलिया थाने में कार्यरत दारोगा अजय कुमार सिंह ने राम भज्जू यादव नाम के व्यक्ति से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर 2,000 की रिश्वत मांग की थी। उसके बाद रिश्वत का पैसा कमरे के अंदर रैक पर रखने का वीडियो वायरल हुआ था। दरअसल बलिया थाने में कार्यरत दारोगा अजय कुमार सिंह के पास राम भज्जू कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने पहुँचा, जिसके बाद दारोगा ने इसके लिए 2,000 रुपए की मांग कर दी और कहा कि सेवा पानी के बिना काम नहीं होता। इस पर राम भज्जू ने उससे कहा कि आज ही जॉब लगी है, उसके बाद वो पैसा निकाल कर देने लगा। अजय कुमार उसे पैसे दाहिने हाथ से देने की बात कहता है और बाद में पीड़ित युवक ने पैसे रैक पर रख दिए। ये मामला बीते मई महीने का बताया जा रहा है, लेकिन इसका वीडियो 24 जुलाई को वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने कार्रवाई करते हुए आरोपी दारोगा को सस्पेंड कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले बलिया थाने में कार्यरत दारोगा धनंजय पांडे के पैसे लेने का वीडियो 22 जुलाई को वायरल हुआ। उन्हें भी एसपी ने 23 जुलाई को निलंबित कर दिया था। अब 5 दिनों के अंदर एक ही थाने के दूसरे दारोगा का घुसखोरी का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद एसपी ने ये कार्रवाई की। दोनों पुलिसकर्मियों के निलंबित होने की खबर अब इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। बेगूसराय से ये जो आप वीडियो देखे मित्रों, ये बेगूसराय का ही थाना का है, जहाँ पे दरोगा साहब एक गरीब और बेबस आदमी से उसके नौकरी लगने के बाद में जो व्यक्ति आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने, तो उसे 2,000 रुपया का डिमांड करते हैं। ये दरोगा साहब को शर्म तक नहीं आया कि इस व्यक्ति कितना मेहनत करके अपना गोल अचीव किया होगा, इसका माँ बाप कितना गरीबी से बच्चे को पढ़ाया लिखाया होगा कि मेरा बच्चा आगे चल के भविष्य में अच्छा करेगा, समाज और हमारा नाम रोशन करेगा। लेकिन ऐसे कुछ भ्रष्ट अधिकारी जो कि शोषण करते हैं ऐसे कार्यों के लिए, जबकि हमारे ही सेवा के लिए बैठे हुए लोग पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन ये लोग महाराजा अपने आप को समझ लिए हैं। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि ऐसे लोग भ्रष्ट अधिकारी को लात मार के यहाँ से निकाले, ऐसे लोगों को नौकरी की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग अगर सिस्टम में आएंगे तो सिस्टम में सिर्फ भ्रष्टाचारी ही होगा। आपने देखा होगा मित्रों, कुछ दिन पहले पटना में भी कृषि विभाग का एक अधिकारी पैसा लेते हुए 2 लाख या 3 लाख रुपए लेते हुए पकड़े गए थे, विजिलेंस वाला पकड़ा था। उसके बाद ये लगातार ये घटना है जो एक्चुअली ये वीडियो पहले के है, चूंकि वायरल नहीं हुई थी, अभी ये संज्ञान में आई है, तो खैर इस पे एसपी वहां पे एक्शन लिया है और इसको निलंबित भी कर दिया। लेकिन ऐसे लोगों को निलंबित नहीं करे, ऐसे लोगों को नसाफा बर्खास्त करके यहाँ से छुट्टी दे दे कि अपने गांव जाओ बैठो या जेल भेज दो। ऐसे लोग अगर समाज में रहेंगे तो कुछ अच्छा दिख नहीं जाएंगे, कुछ बुराई ही दिख जाएंगे। ऐसे लोगों से क्या सीख मिलेगा समाज में? आजकल जो पुलिस से लोग जो नफरत करता है, ऐसे ही चमन छपड़ी टाइप के जो अधिकारी होते हैं ऐसे ही लोगों के कारण पुलिस से लोग नफरत करता है, क्योंकि उसे कभी अपना वो नहीं मान पाता है, क्योंकि उसे पता है कि ना पुलिस का दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी अच्छी होती है। ऐसे भी ये लोग समाज में उठा के कौन सा समाज को उद्धार करने वाले हैं? ये सारे समाज के गंदगी हैं, इस यही लोग समाज को गंदा करते हैं। चंद घूस के पैसे के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। भगवान इसको इतने अच्छे पद पर बैठाएं, पढ़ा लिखा के माँ बाप इसको इस लायक बनाया, बुद्धिजीविक बनाया, उस लायक बनाया कि आप दूसरों को हेल्प करें, और ये व्यक्ति क्या कर रहा है, दूसरों को ही शोषण कर रहा है। सर मानी चाहिए ऐसे सिस्टम में लोग जो हैं अधिकारी, ऐसे अधिकारी को चिन्हित करके इन लोगों को लात मारकर पिछवाड़ा पर घर बैठाने का कार्य करना चाहिए प्रधानमंत्री जी। ऐसे लोग भ्रष्ट अधिकारी समाज में रहेंगे तो कीड़े के दीमक की तरह ये लोग पूरे समाज को खा जाएंगे, और सारे जनरेशन जो आने वाले जनरेशन है जो पढ़ लिख कर मेहनत करके अपने गोल पे अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और जब जाते हैं ऐसे लोगों के पास जब साइन करवाने के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, तो उस व्यक्ति को शोषण किया जाता है, उससे पैसा डिमांड किया जाता है, तो ये समाज में रह के करेगा क्या?
इसको शर्म नहीं आती कि जब सरकार हमको 50,000 1 लाख रुपया सैलरी दे रही है, फिर भी 2 रुपया के लिए तुम किसी और को शोषण कर रहे हो 10 पैसा के लिए। मेन बात है कि इसमें तो घूस खाए की आदत पड़ गई है, जब तक घुसवा नहीं खाएगा ना तब तक इसको पेटवा कोने में नहीं पचेगा। संस्कारें हुए हैं, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे ऐसे के बाल बच्चा भी उसने होता है, जैसा खिलाओगे ना उसने तुम्हारा शरीरवा में ना हेमोग्लोबिनवा होगा और उसने थोड़ा साथ व्यवहार करेगा बाद में। बाकी सरकार को ऐसे ऐसे लोगों को हटाकर निष्कासित नहीं, हमेशा के लिए सबकी नौकरी ख़त्म कीजिए और वापस इसको घर बैठने के लिए मजबूर कर दीजिए, तब ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को समझ में आएगा कि गरीबों को और आम लोगों को और जनता को शोषित करना कितना भारी पड़ सकता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे मेरे मित्र तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि तमाम वीडियो के लिंक आप लोगों के पास आते रहें। धन्यवाद मित्रों।